हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं सौरभ श्रीवास्तव आप लोग के सामने एक बार फिर से अपने यूट्यूब के माध्यम से आपसे जुड़ने जा रहा हूं। दोस्तों, इस वीडियो को जो मैं आपके सामने ला रहा हूं, एक जो मैं नया सेगमेंट लेके आ रहा हूं, इस वीडियो को बनाने का मेरा सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है कि आप भारत के किसी भी कोने में बैठे हुए, किसी भी गाँव में बैठे हुए, जैसे दिल्ली, बिहार, झारखंड, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, आप कहीं भी बैठे हुए हैं, आप किसी भी रीजनल जगह पर पढ़ रहे हैं, तो आप प्रॉब्लम आपको ये आता है कि आपको बेहतरीन शॉर्टकट नहीं मिल पाता है। उस बेहतरीन शॉर्टकट को प्राप्त करने के लिए आपको आपको दूसरे शहर में मूव करना पड़ता है, आपको दिल्ली आना पड़ता है, बिहार आना पड़ता है। तो मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि मैं अपने वीडियो के थ्रू आपको उन सारी कमियों को फुलफिल करूँ, बेस्ट शॉर्टकट दूँ, बेस्ट कॉन्सेप्ट दूँ, और हर सवाल का मैं आपको बेस्ट शॉर्टकट दूंगा जो मार्केट में यूनिक होगा। और मेरा प्रयास ये होगा कि मैं सिर्फ एक मेथड से आपको बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराऊँ। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही शानदार तरीका लेके आ रहा हूँ। एक क्वेश्चन जो एसएससी हमेशा पूछता है, इस तरह से क्वेश्चन कि 4×9 इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। ये क्वेश्चन एसएससी के द्वारा प्री मेंस में कई बार पूछा हुआ है, CDS में पूछा हुआ है, CSAT में पूछा हुआ है, और काफी जगह ये इस क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा गया है। तो आज हम इस वीडियो में इसी क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करेंगे ताकि आप इस तरह के क्वेश्चन को आगे से सॉल्व कभी भी बहुत फास्ट और बहुत कम टाइम में कर लें। मैं चाहूंगा कि पहले आप इसके ऊपर अपने मेथड से करके देखिए, चाहे आप जैसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं करके देखिए, फिर मैं आपको अपना एक शॉर्टकट दूंगा, ठीक है ना। तो इस चीज को आप आगे से 10 सेकेंड के अंदर में सॉल्व कर लेंगे इस क्वेश्चन को, लेकिन उस क्वेश्चन को बनाने के लिए, उस 10 सेकेंड के मेथड को सीखने के लिए पहले कुछ माहौल सेट करना पड़ेगा। तो इस वीडियो को आपको काफी दिल थाम के देखना होगा, दिल थाम के उसको महसूस करना होगा, इस पर प्रैक्टिस करना होगा। सबसे पहले आप कलम पेन लेकर तैयार हो जाए, और इस तरह मैंने बोला है कि मेरा बिल्कुल एक अलग कॉपी, सौरभ सर यूट्यूब वीडियो का एक अलग कॉपी बनाइए, और उसमें सारा जो भी मैं कॉन्सेप्ट देता हूँ उसको रोज नियम से लिखिए, ठीक है ना। तो इसको 10 सेकेंड में करने के लिए आपको पहले एक कॉन्सेप्ट सीखना होगा। जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि 999 और 999 को आप मल्टीप्लाई करके दिखाओ, क्या आप मल्टीप्लाई कर सकते हो? कर सकते हो, करके बताओ क्या होगा। देखो मैं दिखाता हूँ कैसे होगा। मैं करूंगा -1, मैं करूंगा -7, 0007 9992, तोते उड़ गए, उड़ गए। देखो मैंने कैसे कर दिया। मैं बोलू 1012 और 1013 को मल्टीप्लाई करो, करो, करके दिखाओ, नहीं कर पाओगे। देखो मैं दिखाता हूं, 12 और 13, 156, 1025, तोते उड़ गए, फिर उड़ गए। मोबाइल निकालिए, कैलकुलेटर पे चेक कर लिए कि इतना फास्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह के मल्टीप्लीकेशन को हम लोग मात्र 1 सेकंड में कर रहे हैं। आप नाप लो मशीन से, 1 सेकंड से 2 सेकंड में हो रहा है, और ये आप भी कर लोगे, लेकिन तब कर पाओगे जब इस वीडियो को आप पूरे अंतिम तक देखोगे और काफी अच्छे से देखोगे और प्रैक्टिस के साथ देखोगे, ठीक है ना। मैं आपको बोलूं कि भाई 4×9 का स्क्वायर क्या होगा, तो बाकी जनता क्या करेगी। हम बोल दें कि 493 का स्क्वायर क्या होगा, तो बाकी जनता क्या करेगी, आसमान देगी। आप क्या करेंगे, आप एक बार मुस्कुराएंगे और बोलेंगे अच्छा यही तो करना है हमको, तो कुछ नहीं करना है, बस -7 और 0049 और 999 86 हो गया। तो इस तरह से आप इस तरह के नंबर को कैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वीडियो को डिटेल में देखिए और हम कैसे कैसे आपको सिखा रहे हैं उसको सीखिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह के सवाल को हम कैसे बनाए, तो इस तरह के सवाल को बनाना बड़ा आसान है, बहुत ही आसान है, आप बहुत ही इसको आसानी से बना सकते हैं। कैसे भाई, जैसे मैं बोलूं आपको को 1.5, तो वन हर नंबर का दो पार्ट होता है, एक पार्ट होता है इंटीग्रल और एक पार्ट होता है, दूसरा पार्ट होता है फ्रैक्शनल। एक पार्ट क्या होता है इंटीग्रल और दूसरा पार्ट क्या होता है फ्रैक्शनल। जैसे मैं अगर आपको बोलूं को 1.5, तो आप बोलिएगा 1.5 का बच्चे इंटीग्रल पार्ट 1 हो गया और फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो गया हाफ।
दिस इज कॉल्ड वन एंड हाफ। मैं बोल दूंगा टू थ्री बाय फोर, तो आप बोलिएगा कि टू थ्री बाय फोर का इंटीग्रल पार्ट टू हो गया और फ्रैक्शनल पार्ट थ्री बाय फोर हो गया। मैं बोलूंगा ट्रिपल नाइन 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 सेवन बाय नाइन नाइन एट, तो इसका दो पार्ट हो गया, एक पार्ट हो गया इंटीग्रल और एक पार्ट हो गया फ्रैक्शनल। समझ पा रहे हैं आप लोग? मैं बोलू ट्रिपल नाइन इस टू ट्रिप डबल नाइन सेवन बाई डबल नाइन एट, इसका दो पार्ट हो गया, ये ट्रिपल नाइन क्या हो गया इंटीग्रल पार्ट प्लस डबल नाइन सेवन बाई डबल नाइन एट, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं है, पक्का? तो इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट आपको समझ में आ चुका अच्छे से। तो इस सवाल को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहां भी दो पार्ट हो जाएगा, एक पार्ट क्या है इंटीग्रल और एक पार्ट क्या हो गया आपके सामने फ्रैक्शनल इंटू ट्रिपल नाइन, ये कट गया कितना हो गया एक, और एक हजार इंटू कितना ट्रिपल नाइन, कितना हो जाएगा ट्रिपल नाइन ट्रिपल शून्य। तो इस तरह से आप इस तरह के सवालों को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं, बड़े आराम से हल कर सकते हैं और मुस्कुराते बना सकते हैं। कैसे भाई? तो ट्रिपल नाइन बाय ट्रिपल नाइन बाय ट्रिपल नाइन इंटू ट्रिपल नाइन, ये कितना हो जाएगा वन, तो ट्रिपल नाइन प्लस वन कितना हो गया एक हजार इंटू कितना ट्रिपल नाइन, सॉल्व करने पे क्या आ गया ट्रिपल नाइन ट्रिपल जीरो। तो समस्या ये नहीं है, ये तो बड़े आराम से करा दिया हमने। समस्या कब आएगी आपके सामने, जब ये सवाल ऐसे ना लिखा हो, ये सवाल ऐसे लिखा हो डबल नाइन सेवन ट्रिपल नाइन एट बाई ट्रिपल नाइन फोर टाइम्स नाइन इंटू फोर टाइम्स। समस्या तब नहीं आएगी जब ये सवाल ऐसे लिखा हो, समस्या तब आएगी जब ये सवाल ऐसे लिखा हो। और कई बार बड़े बड़े परीक्षा में सवाल दिया है इस तरह से, और अच्छे अच्छे छात्र हमारे इस सवाल में फंस चुके हैं। तुम बता तुमको कैसे बनाओगे, बना के दिखा दो, बताओ कैसे बनाओगे। मैं आपको बोल दूं कि भाई ट्रिपल नाइन सिक्स ट्रिपल नाइन फाइव ट्रिपल नाइन सेवन इंटू ट्रिपल नाइन सेवन, बताओ कैसे बनाओगे, है ना? तो ये तो आसानी था क्योंकि कट गया वन हो गया, यहां कैसे कटेगा, नहीं कटेगा, ठीक है? तो इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए हम लोग को पहले एक तरीका सीखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करने का तरीका सीखना पड़ेगा, क्योंकि अपने में एक बहुत ही शानदार तरीका है और उसका उपयोग सिर्फ यहां पे नहीं, उसका उपयोग आप गणित के हर जगह पे कर सकते हैं जो सवाल उसके रेंज में आएगा, ठीक है बच्चे? क्योंकि ये हम लोग को इसको सीखने के पहले हम लोग को कुछ इनको मल्टीप्लाई करने का तरीका सीखना पड़ेगा, इनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैं अभी आपको एक मल्टीप्लाई करने का तरीका सिखाने जा रहा हूं, जो एक अपने में बहुत ही शानदार तरीका है, कंडीशनल तरीका है, हर जगह नहीं यूज होगा लेकिन जहां यूज होगा बहुत मक्खन के तरह यूज होगा और सवाल को उतने अच्छे से बनाएगा। और कुछ सवाल इस कॉन्सेप्ट पर ही डायरेक्टली पूछे जाते हैं, जैसे जो मैंने अभी क्वेश्चन दिखाया वो डायरेक्टली इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है भाई? ये जो कॉन्सेप्ट है इसका नाम है सरप्लस या डेफिसिट। इस कॉन्सेप्ट का नाम है सरप्लस या डेफिसिट ऑन द सेम बेस। इस कॉन्सेप्ट का नाम है सरप्लस और डेफिसिट ऑन द सेम बेस। तो आप पहले में समझते हैं कि सरप्लस क्या होता है। तो सरप्लस क्या होता है, ज्यादा, और डेफिसिट क्या होता है, कम। मतलब किसी भी एक बेस को अगर आप मान लो तो उससे बड़ा सरप्लस हो गया, उससे कम डेफिसिट हो गया। जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि 10 के बेस पे सरप्लस क्या होगा, 10 से बड़ा कुछ भी क्या हो जाएगा 10 के बेस पे सरप्लस, जैसे 11 12
13, 14, मैं बोलूं 10 के बेस पे डेफिसिट क्या होगा, तो 10 से कुछ भी कम क्या हो जाएगा, डेफिसिट 9, 8, 7, 6। मैं बोलूं 100 के बेस पे सरप्लस क्या होगा, तो 100 से बड़ा क्या हो गया, सरप्लस। 100 के बेस पे डेफिसिट क्या होगा, 100 से कम क्या हो गया, डेफिसिट। बस कंडीशन यहां पे ये होना चाहिए कि ये दोनों सरप्लस है और ये दोनों क्या है, डेफिसिट। कौन से बेस पे, सेम बेस, कौन से बेस पे, सेम बेस पे। बेस क्या हो जाएगा, 10 का पावर n। दस का पावर है 1, 10 का पावर 2, 10 का पावर 3, 10 का पावर 4 एंड सो ऑन। मतलब या तो बेस 10 होगा बच्चे, या तो बेस 100 होगा, या तो बेस 1000 होगा, या तो बेस 10000 होगा एंड सो ऑन। मतलब ये सवाल बनेगा, या तो 10 के बेस पे सरप्लस बनेगा, या तो 100 के बेस पे सरप्लस बनेगा, या तो 1000 के बेस पे, और दोनों का बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया कहां पे इसको यूज करना है। ठीक, क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब देखो इसको कैसे यूज करते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं कि भाई 12 को 13 से मल्टीप्लाई कर सकते हो क्या, तो एक तो तरीका आप लोग सब लोग जानते हो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं बचपन से, गुना 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 गुना। मैं आपको एक तरीका सिखाने जा रहा हूं जो अपने में एक बहुत ही शानदार तरीका है, देखना ध्यान से। बेस क्या है बच्चों, 10। ये बताओ कि संख्या अपने बेस से कितने दूरी पर है, 2, और ये संख्या अपने बेस से कितने दूरी पर है, 3। ये संख्या अपने बेस से कितने दूरी पर है, 2, और ये संख्या अपने बेस से कितनी दूरी पर है, 3। एकदम ध्यान से मेरे बातों को समझ लेना, बस दो ही काम करना है, बेस से बड़ा प्लस, बेस से छोटा माइनस। ओके, बेस से बड़ा प्लस और बेस से छोटा माइनस, और आपको इसको गुना करना है इस तरह, इस तरह क्या करना है, गुना, और डायगोनली क्या करना है, प्लस करना है। ऐसे क्या करना है, गुना, और डायगोनली क्या करना है, प्लस। आप ऐसे करोगे तब भी सेम आएगा, ऐसे करोगे तब भी सेम आएगा, करके देख लो। 12 प्लस 3 कितना होता है, 15, और 13 प्लस 2 कितना होता है, 15। अब देखो आप इस नंबर को अब कितने जादुई तरीके से मल्टीप्लाई कर लोगे। फिर से मैं बोल रहा हूं एक बार, बेस कितने का, 10 का, कितना बड़ा, 2, बेस कितना, 10 का, कितना बड़ा, 3। ऐसे आपको मल्टीप्लाई करना है, ऐसे प्लस करना है, तो 3 दूनी कितना होता है, 6, और 12 प्लस 3 कितना होता है, 15। या तो ऐसे करो या तो ऐसे करो, बात इज सेम। मैं बोलूं 14 को 12 से गुना करो, आप मुस्कुराते हुए बोलोगे कि 10 प्लस 4, 10 प्लस 2, 4 दूनी कितना होता है, 8, और 14 प्लस 2 कितना होता है, 16। ये हमने क्या किया, 14 को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। मैं बोलूं कि 9 को 8 से मल्टीप्लाई करो, आप मुस्कुराते हुए बोलोगे 10 से कितना कम, -1, 10 से कितना कम, -2, 2 1 जा कितना होता है, 2, और 9 में से 2 गया, 7, या 8 में से 1 गया, 7। फिर से एक बार, 10 से कितना दूरी, 2, 10 से कितना दूरी, 3, 3 दूनी 6, 12 प्लस 3 15, 4 दूनी 8, 14 प्लस 2 16, 10 से कितना दूर, 1, 10 से कितना दूर, 2, 2 1 जा 2, 9 में से 2 गया, 7, 8 में से 1 गया, 7। अभी तक आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्या पढ़ा रहे हैं, इसका फायदा क्या है, बस दिल थाम के बैठो, बस अगले 1 मिनट के अंदर मैं आपको इस कॉन्सेप्ट का मतलब समझ में आ रहा है कि मैं इसको क्यों पढ़ा रहा हूं। अभी तो आपको लग रहा होगा इसको तो मैं सही गुना कर सकते, इतना करने का जरूरत क्या है, बस थोड़ा सा इंतजार कर लो। देखो यहां पर एक नियम है, नियम यह है कि इनको मल्टीप्लाई करने पे, फिर से बोल रहा हूं, इनको मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर ऑफ डिजिट्स आपको लिखना है, उसको लिखने का एक नियम होता है। नियम क्या होता है कि जितना बेस का पावर होगा, जितना बेस का पावर होगा उतना ही
नंबर ऑफ डिजिट्स लिखना है, मल्टीप्लाई करने के बाद जितना बेस का पावर होगा उतना ही नंबर ऑफ डिजिट्स आपको क्या करना है, लिखना है। जैसे 10 के बेस पे पावर कितना है, 1, तो यहां मल्टीप्लाई करने पे हमेशा कितना आएगा, एक ही डिजिट आएगा, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। मैं बोलूंगा 10 का स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना डिजिट आएगा, 100, कितना डिजिट आएगा, 2, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। कम मिलेगा आगे में जीरो लगाना, ज्यादा मिलेगा कैरी को फॉरवर्ड कर देना। मैं बोलूंगा 10 का क्यूब, 1000 के बेस पे काम करूंगा, तो 10 का क्यूब हो गया कितना, कितना डिजिट मिलेगा मल्टीप्लाई करने के बाद, 3 डिजिट, यहाँ पे कितना डिजिट आएगा, 3 डिजिट, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। कम मिलेगा आगे में जीरो लगाना, ज्यादा मिलेगा कैरी को बगल वाले पे फॉरवर्ड करना। तो आपको नियम समझ में आ चुका है, बेस पकड़ेंगे, बेस से दूरी अगर प्लस होगा तो प्लस करेंगे, माइनस होगा तो माइनस करेंगे, ऐसे गुना करेंगे। गुना करने के बाद ये बात का ध्यान रखेंगे, अगर 10 का बेस होगा तो कितना डिजिट होना चाहिए, 1, 100 के बेस पे 2, 1000 के बेस पे 3, 10000 के बेस पे 4। फिर या तो ऐसे गुना करें फिर ऐसे प्लस करें। चलो अब शुरू करते हैं हम लोग अपने कार्रवाई को। तो ये मैंने आपको समझा दिया कब यूज करना है, कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है। चलो यूज करते हैं। जैसे मैं आपको बोलूँ 18 × 14, आप मुस्कुराओ, बोलो 10 से कितना दूरी, 8, 10 से कितना दूरी, 4, 10 के बेस पे कितना डिजिट लेना है, 1, तो 8 × 32, 2 हो गया, कैरी कितना हो गया, 3, 18 + 4 = 22, या 14 + 8 = 22, अब 22 + 3 कितना होता है, 25। कॉपी पेन लेके बैठना, फिर से बोल रहा हूं, मैं बोलूंगा 104, मजा लो अब मैथ्स का, 104 × 108, मल्टीप्लाई करके दिखाओ कैसे करोगे, अब देखो कैसे करोगे। बेस कितने का, 100, दूरी कितना, 4, दूरी कितना, 8, 8 × 32, 8 × 32, 8 × 4 = 12, क्योंकि बस दो ही डिजिट आपको लेना है क्योंकि 100 का बेस है। मैं बोलूं आपको कि 103 और 102 को मल्टीप्लाई करो, तो बेस कितने का है बच्चे, 100 का, तो 100 से कितना दूरी, 3, 100 से कितना दूरी, 2, यहां पे कितना डिजिट लेना है, 2, लेकिन मिलेगा कितना, 3 × 2 = 6, एक डिजिट मिलेगा। तो ऐसे मल्टीप्लाई और ऐसे प्लस। मैं बोलूं 98 को, समझ आ रहा है आप लोग को, अब लग रहा है कि मैं इतना क्यों भूमिका बांधा, ताकि कॉन्सेप्ट क्या है आपका क्लियर हो जाए। अब देखो कितना फास्ट काम होगा, 98 और 97 गुना करो, कितना दूरी, 2, कितना दूरी, 3, 100 का बेस है ना बच्चे, 100 का बेस है तो कितना डिजिट, 2 डिजिट, 3 × 2 कितना हो गया, 6, तो 98 में 3 का कितना बच गया, 95। मैं बोलूंगा आपको कि 91 × 97, आप क्या बोलोगे, 91 × 94 बोलूंगा, आप क्या बोलोगे, -9 - 6, तो 9 × 6 = 54 और 91 - 6 कितना हो गया, 85। तो इस तरह आप पलक झपक से अब इस बड़े बड़े संख्या का गुना कर सकते हैं, लेकिन हर संख्या इससे गुना नहीं होगा, जो भी संख्या इस रूल को फॉलो करेगा वही उससे गुना होगा, ये इसका रिस्ट्रिक्शन है। तो क्या बोले, हर जगह नहीं लगेगा, लेकिन जहां लगेगा बिल्कुल मक्खन की तरह लगेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं बोलूं आपको कि भाई 999 को गुना करो 997 से, आप बड़े आराम से मुस्कुराते हुए क्या बोलोगे, -1 - 3, बेस कितने का है, 1000 का, तो कितना पावर होगा, 3, 1 2 3, 3 × 1 = कितना होता है, 3, तो 003, और 99 में 3 किया कितना हो गया, 996। मैं बोलूंगा आपको कि 998 को मल्टीप्लाई करो 9989 से, तो आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे, आप बोलोगे कितना दूरी, -2, कितना दूरी, -11, डिजिट कितना चाहिए, बेस कितने का है, 1000 का, कितना डिजिट चाहिए, 3, तो कितना हो जाए, 11 × 22, 11 × 22, और 98 में 11 कम कर देंगे बच्चे, 987। अगर मैं आपको बोलूं कि 1012 को 1013 से गुना करो, बड़े आराम से आप करोगे, बोलोगे बेस कितने का, 1000 का, दूरी कितना, 12, दूरी कितना, 13, अब
हजार के बेस पे कितना डिजिट लेना है लास्ट में? तीन डिजिट, और 12 को 13 से गुना करूंगा तो कितना आ जाएगा बच्चे? 156। ऐसे गुना करोगे, ऐसे या ऐसे प्लस करोगे, दोनों पे सेम ही आंसर आएगा। तो 12 प्लस 13 25, 12 प्लस 13 25। देखो इतने बड़े बड़े गुना को आप इतने आराम से कर पा रहे हो। तो फिर से बता दो एक बार, 99 97 बेस कितने का है? हजार का। बेस कितने का है? हजार का। दूरी कितना है? 1। दूरी कितना है? 3। 3 बन जा 3, क्योंकि हजार के बेस पे कितना पावर होता है? 3। तो कितना डिजिट लेंगे? 3 डिजिट। क्या हो गया? 003। फिर ऐसे सब ट्रैड कर दिए तो कितना हो गया? 96। या ऐसे कर दें कितना हो गया? 96। यहाँ कितने का दूरी? 2। यहाँ कितने का दूरी? 11। 11 दूनी कितना? 22। तो 022। 1012 1013 कितना दूरी? 12। कितना दूरी? 13। गुना कर दिए कितना हो गया? 156। और 12 प्लस 13 कितना हो गया? 25। उम्मीद करते हैं आप सीख गए होंगे। ठीक है बच्चा, मैं बोलूं 999 का स्क्वायर तो आप बड़े आराम से मुस्कुराते बोलोगे तो बड़ा आसान है हमारे लिए, कुछ भी नहीं हमारे लिए। कैसे कर देंगे इसको? 4 times 9 और 4 times 9 इंटू इतना, तो कितना हो गया? -1 -1 गुना कर देंगे तो कितना है? किस किस बेस पे लग रहा है आपको? 10,000 के बेस पे लग रहा है। कितना पावर हो जाएगा? 4। तो 1 2 3 4, 1 into 1 कितना हो गया? 1। कितना जीरो लग जाएगा आगे? 3 जीरो। ठीक है, और इसमें कितना कम कर देंगे? 1। तो कितना हो गया? 1 है भाई। मजा आ रहा है? नया चीज सीखने को मिला आप लोगों को? ठीक है, इसको सीखिए आप लोग। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे? तो अप्लाई आप बेटा इसको मान लीजिए कुछ क्वेश्चंस आपके सामने इस तरह से आ गए, तो जरा गुना करो तो आप बड़े आराम से मुस्कुराते उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे कर देंगे भाई? यहाँ बोलेंगे कितना? +8। यहाँ बोलेंगे +6। इस 100 से कितना अधिक? 8। इस 100 से कितना अधिक? 6। बेस 100 का है तो कितना 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 डिजिट लेना है? 2। और 8 6 48, तो ऐसे गुना और क्रॉस में प्लस, 8 6 48 लिख दिए। और 8 और 6 कितना हो गया? 14। यहाँ कितने का डिस्टेंस? 8 का। यहाँ कितने का डिस्टेंस? 4 का। तो 8 6 कितना हो गया बच्चे? 32। तो 3 डिजिट क्यों लेंगे? क्योंकि बेस किसका लग रहा है? 1000 का। अब या तो ऐसे घटाइए या तो ऐसे घटाइए। तो 98 में 6 गया कितना हो गया? 988। ये भी बेस कितने का लग रहा है? 1000 का। तो कितना डिजिट करेंगे मल्टीप्लाई करने पे? 3 डिजिट। यहाँ कितना दूरी? 12। यहाँ कितना दूरी? 8। तो 12 8 96 और 12 और 8 1020। नेक्स्ट यहाँ पे कितना? -9। यहाँ पे कितना? -6। 9 6 54 और 91 में 6 गया कितना हो गया? 9985। ठीक है बच्चे, ओके। तो आप लोगों ने सीख लिया कि हम लोग कितने मैजिकल तरीके से और कितने फास्ट वे में इस तरह के नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, अब हम वापस अपने उस क्वेश्चंस पे आते हैं जिस क्वेश्चन के लिए हमने इस मेथड को क्या किया है? सीखा है। दोस्तों हम लोगों ने जो शॉर्टकट सीखा था वो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सीखा था। ठीक है, अभी सवाल आगे बताए सवाल तुम कैसे बनाओगे? बहुत टाइम लगेगा, कटेगा भी नहीं। तो लोग इसको बेसिक मेथड से पकड़ेंगे। ठीक है ना, जैसे मैं बोलूं अगर आपको कि आप यहां बोलता हो, ठीक है बच्चे, मैं अगर आपको बोलूं कि 2:3/5 का मान क्या होगा, तो हम लोग बचपन से सीखे हैं इस बात को। इसको हम लोग क्या करेंगे? 2×5 + 3/5। क्या बोलेंगे? 2×5 + 3/5। 5 × 2 = 10, 10 × 3 = 13, 13/5 कितना हो जाएगा? 5। तो ठीक है, उसी प्रकार पहले लोग इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लेंगे। क्या कर लेंगे? इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग देखें जरा एक बार। 999 997 / 4 times 9 इसको सॉल्व करना है आपको। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि इन दोनों को गुना करोगे। ठीक है ना, तो गुना कर दो तो 998 × 4 times 9। फिर इसमें किसको प्लस कर दोगे? 997 को, बटा कितना? 4 times 9। अब जिस विद्यार्थी को इसको गुना करना आ गया उसका काम हो गया, तो गुना करना नहीं आया वो फंस गया। यहां पे -2 कर लेंगे और
और यहां पे क्या कर लेंगे माइनस वन। अब जब माइनस टू करेंगे बच्चे तो ये हजार का बेस से सिखाया अभी, तो कितना डिजिट रहेगा, चार डिजिट रहेगा, टू वन जा टू ही होगा, आपको डिजिट तो एक ही मिला, तो टू वन जा टू हो गया, बाकी कितना हो गया टू हो गया, और या तीन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया, तीन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर ले तो 9998 में से एक कम कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 9997 प्लस 997 बट्टा 4 टाइम्स 9। तो इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा 997 4 टाइम्स 9 बट्टा 4 टाइम्स 9। अब आप बहुत आराम से क्या करोगे भाई, इसका वैल्यू पुट कर लोगे तो 997 4 टाइम्स 9 बट्टा 4 टाइम्स 9 इंटू 4 टाइम्स 9 और ये कट गया, अभी आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस प्रकार आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को बहुत ही आराम से इस मेथड से सॉल्व कर लोगे। तो आज हम लोगों ने एक मेथड पढ़ा जिसका नाम है क्या, सरप्लस डेफिसिट। तो बच्चों आज मैंने आपको सिखाया नंबर को मल्टीप्लाई करने का एक जबरदस्त तरीका, उम्मीद करता है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसको बार बार रिवाइज करें ताकि आपको इससे मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। ठीक है बच्चों, ओके। और गुरुदक्षिणा मैक्सिमम शेयरिंग, बिना गुरुदक्षिणा के लिया हुआ ज्ञान विश्व के समान होता है। धन्यवाद।